अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं अपने YouTube चैनल स्मार्ट कंप्यूटर्स पे। मैं हूं जिशान, आज आपके लिए लेकर आए हैं MI ब्रांड का MI रेंज एक्सटेंडर प्रो। इसकी अनबॉक्सिंग और सेटिंग आपको जल्दी से हम चेक करवाते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले जस्ट आपको इतना बता दें किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिक आपके पास, फर्ज करें आपका घर है या ऑफिस है या कहीं पर भी आपने इसको यूज़ करना है और वहाँ पर आपके पास लगा हुआ है इंटरनेट, किसी भी ब्रांड का वो मैटर नहीं करता, कोई भी इंटरनेट प्रोवाइडर से आपका इंटरनेट लगा हुआ है, तो आप कुछ फासले पर, जैसे कि आप एक घर पे लगा हुआ है, दरमियान में कुछ फासला खाली है और दूसरे घर पे आप यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन दूसरा जो घर है वहाँ पर आपके पास सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो 1-2 जो है ना मुस्तकिल आ रही होती है, जबकि अंदर आप रूम्स में जाएं तो वहाँ पर आपके पास वाईफाई के सिग्नल नहीं आ रहे होते। तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आप MI ब्रांड ने बनाया है रेंज एक्सटेंडर। आप ये किसी भी सेंटर पॉइंट पर इसको लगा दें। इसका बेसिक वर्क होता है कि उस 2 सिग्नल जो आपके पास आ रहे हैं उनको फुल सिग्नल में इसने कन्वर्ट करना होता है, आपका पुराने वाईफाई की रेंज को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। तो हम इसकी जल्दी से करते हैं अनबॉक्सिंग, आपका टाइम ज़ाया नहीं करते, इसकी हम करते हैं जी अनबॉक्सिंग। इसको कनेक्ट करना जो है ना बहुत ईजी है, मैं आपको इसका बता देता हूँ कि किस तरह। आप सबसे पहले इसमें एक वारंटी नोटिस एक दिया होता है, एक यूज़र मैनुअल दिया होता है और ये हमारे पास आ जाता है वाईफाई रेंज एक्सटेंडर। बाकी बॉक्स खाली है पास, ये चेक करें जी MI का, और ये इसके एंटीने होते हैं 2 बिल्कुल छोटे साइज़ में। आप ये चेक करें, ये मेरे हथेली पर आ गया, बहुत छोटे साइज़ में है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। इसकी वीडियो आगे ही मैं अटैच कर देता हूँ कि किस तरह आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है, किस एप्लीकेशन कौन सी आपने डाउनलोड करनी है, iOS है और एंड्रॉयड, उनके लिए आपने एप्लीकेशन कौन सी करनी है, आगे आप वीडियो काइंडली देख लें। सबसे पहले आपने जाना है प्ले स्टोर पर, अगर आप iOS डिवाइस है तो आपने जाना है ऐप स्टोर पर, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है MI होम ऐप। ये दूसरे नंबर पे आप चेक कर लें MI होम ऐप, आप इसको डाउनलोड कर लें और इसको कर लें इंस्टॉल जी। तो दोस्तों सबसे पहले आपने MI होम एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसको कर लेना है ओपन। यहाँ पर आप राइट साइड पर टॉप पर देखें तो एक प्लस का निशान एक सर्कल के अंदर दिया गया है, आपने उस पर कर लेना है क्लिक और एड अ डिवाइस पर आप चले जाएंगे और यहाँ सर आप, आपको कहेगा अलाउ वाईफाई एक्सेस टू फाइंड डिवाइसेस, तो सेटिंग के अंदर जाके मैं वाईफाई जो है उसको कर लेता हूँ ऑन। ये इस तरह मेरा ऑन हो गया। यहाँ पर मैंने Xiaomi रिपीटर जो हमारे पास डिवाइस दी गई है उसको कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद वो कनेक्ट हो जाएगा हमारे मोबाइल के साथ। कनेक्शन के बाद मैं वापस जाऊंगा तो यहाँ पर जैसे ही मैं वापस आया हूँ तो यहाँ पर लिखा गया ऑटो डिटेक्टिंग नियर बाई डिवाइसेस, तो मेरा MI वाईफाई रेंज एक्सटेंडर प्रो यहाँ पर शो हो गया है। तो इसको मैं कर लूँगा क्लिक, जैसे ही क्लिक करूँगा सिलेक्ट वाईफाई नेटवर्क्स, यहाँ पर मैंने जिस नेटवर्क को पेयर करना है और जिसका रेंज बढ़ानी है उसको मैं कर लूँगा क्लिक। जैसे मेरे पास TP लिंक है, TP लिंक 3B34, ये मेरे वाईफाई का नाम है, इसका मुझे पासवर्ड जो है वो पता होना चाहिए। पासवर्ड मेरे TP लिंक का है 6721074, तो ये इसको मैं कर लूँगा नीचे से डन और कर लूँगा इसको नेक्स्ट। तो जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पर कनेक्शन जो है हमारा स्टार्ट शुरू हो जाएगा। आपने इस दौरान ये ख्याल करना है कि जो आपका रेंज एक्सटेंडर है MI का वो आपकी जो डिवाइस है मेन डिवाइस मेन राउटर उससे बहुत फासले पर नहीं होना चाहिए, आप बेशक करीब रख के उसको कॉन्फ़िगर कर लें, फिर उसके बाद आपने जितने फासले पर उसको लगाना है आप लगा लें। यहाँ पर 100% कनेक्टेड सक्सेसफुली, डन हो गया जी। इसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, मैं इसको लिविंग रूम ही नाम देता हूँ नेक्स्ट करके और इसको कर लूँगा नेक्स्ट। यहाँ से आप कर दें डू नॉट शेयर फॉर नाउ और डोंट प्रॉम्प्ट, एग्री कर लें और ओके कर लें। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ वापस जी अपने MI के रेंज एक्सटेंडर प्लस पे, जो कि अब नाम चेंज हो गया है TP लिंक 3B34+MI, तो इस पर मैं क्लिक कर लूँगा और यहाँ से अब मैं पासवर्ड दे देता हूँ 6721074। ओके जी, इसको मैं कर लूँगा कनेक्ट। तो ये जी हमारा कनेक्शन हो गया है MI का
और यहाँ से मैं अगर आपको YouTube ओपन करके कुछ भी प्ले करके चेक करवा देता हूँ, जैसे कि हमारा है स्मार्ट कंप्यूटर्स। यहाँ पर मैं अपनी जो फनी वीडियो है वो सर्च कर लेता हूँ, जो कि है ड्रोन फ्लाइट। ये देख लें जी, हमारी डिवाइस का आ गया है जी, ये चेक करें जी। इस ड्रोन की कीमत है सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए। इस तरह आप अपना इंटरनेट यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख लें TP-Link 3B3 वो प्लस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये राजी हमारी कंप्लीट अनबॉक्सिंग और डिटेल वीडियो MI रेंज एक्सटेंडर प्रो की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।